आदमी पार्टी के वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तो हम सीधा उसे ले चलते हैं तो देखते हैं कि कुछ किया जा क्या जा रहा है। जिहड़ी साडी किसानां दी बड़े लंबे चिर दी मंग चलती आ रही थी कि गन्ने का बकाया नहीं मिल रहा, 400 करोड़ के करीब सीगा, वो सारा अज कोई किसान का किसी मिल वाल कोई बकाया नहीं। मान साहब ने पंजाब सरकार वालों सारा भुगतान किया, अज जीरो बकाया हो गया, किसानों की कोई समस्या इस पासे नहीं हैगी। और फिर मुलाजमान के पक्ष के देखो 6% DA दे के जारी की इन्होंने किस्त अक्तूबर के, और इस दे नाल पंजाब दे खजाने ते 1150 करोड़ रुपए का वजन पे है। हालांकि मान साहब चाहते ने होर भी सहूलत मुलाजमान दित्तियां जान, परंतु जिस तरह मैं थानू बेनती की है कि विरासत दे विच सानू डिफाल्टर सरकार मिली है, डिफाल्टर तरीके नाल अदारे मिले ने, असी अपने इनकम दे रिसोर्स बढ़ा रहे हैं, वख-वख अदारियां दे विच साधन बढ़ाए जा रहे हैं ताकि वह रेवन्यू इकट्ठा होकर पंजाब दे लोकां दी सेवा वास्ते, पंजाब दे किसानां दी, मजदूरां दी, व्यापारियां दी ते इंफ्रास्ट्रक्चर नूं डिवेलप करन वास्ते खर्चा जा सके। उहदे वास्ते सरकार बहुत वधिया कम कर रही है, असीं संगठन वल्लों उहनां नूं वधाई भी दिंदे आ। और जिहड़े वख-वख साडे प्रोजैक्ट ने डिवेलपमेंट दे, उहनां ते करोड़ां रुपए दे फंड दित्ते जा रहे ने। तुसीं देखिआ हुणे बजट जिहड़ा पेश होया उहदे विच हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया, हर वर्ग नूं वधिया सहूलतां देण वास्ते फंड रखे गए ने, ते लोकां ने विश्वास प्रगट किया। अज पंजाब दे विच जे बिजली का इशू सीगा किसानां नूं फ्री दित्ती जा रही है, पिछले साल च तुसीं देखिआ एक साल तो किसानां नूं कोई समस्या बिजली की नहीं आउण दित्ती गई, ट्यूबवैलां दे विच 9.5 हज़ार के करीब करोड़ के करीब सबसिडी के रूप च दित्ता गया, और अज भी 13,418 करोड़ के करीब पैसा नवे बजट के रखा गया ताकि किसानों सहूलत दित्तियां जा सकन। और खेतीबाड़ी की आमदन बढ़ाने वास्ते, खेतीबाड़ी डाइवर्सीफिकेशन च ले जाने वास्ते पिछे मूंगी की MSP के उत्ते खरीद की गई है, वो वास्ते मान साहब ने उस टाइम 26 करोड़ के करीब सबसिडी दिती है, तो आने वाले समय च होर फसलों के उत्ते सबसिडी देन वास्ते 115 करोड़ रुपए का होर बजट रखा गया ताकि लोग फसली चक्कर दे विचों निकल के होर दूजा झोने कणक तो छड के होर फसलों वल भी प्रेरित होण, क्योंकि पंजाब दे विच पानी थले जा रहा है, पानी नूं बचाउण वास्ते उपराले किए जा रहे हैं। फिर एक ग्रीन बैल्ट पंजाब दे विच पूरे वातावरण बचाउण वास्ते उसारी की जा रही है। मैं कल भी थोड़े नाल दस के गया कि असी मंडी बोर्ड के भी तकरीबन 50 करोड़ का एक बजट रखा कि ताकि सड़कों के उत्ते सारिया जिहड़ियां 18 फुट चौड़ियां सड़कों ने उन्हां ते ग्रीन बैल्ट पैदा की जाए, उत्थे बूटे लगाए जाण, और असी मंडी बोर्ड के भी 12,500 के करीब बूटे लगाने की कमर्शियल दरख्त लाने की जगह डिटेक्ट की है। चार दीवारी के नाल नाल असी वो बूटे लावांगे, दरख्त लावांगे जिन्हां दे नाल 15-20 सालों बाद आने तो बाद सानू करोड़ों रुपए की आमदन होगी। जेड़े भी अदारे बंद पए सीगे, जिवें मैं कल भी थोनू बेनती की सी कि साडे 11 फेज दे विच साडे मंडी बोर्ड के मंडी भवन के बिल्कुल नाल 14 एकड़ के 2014 तो एक मंडी बनाई गई सी 50 करोड़ की लागत नाल, वो मंडी इंटरनेशनल पद्धर की मंडी बनी है, उहदे विच हर तरह की सहूलत किसानों वास्ते देने की प्रोविजन रखी गई है। 129 दुकाना उत्थे 16.5 फुट by 40 फुट दियां AC दुकाना ने, पूरी मंडी मॉडर्न मंडी है, परंतु 8 सालों तो मंडी बंद पई है, असी उन्हूं चालू करन जा रहे हैं, और एक सरकार दे उपराले ने ताकि साडे कोल रेवन्यू वध आवे, नहीं तो मैं समझदा इस मंडी के बंद होने नाल सानूं करोड़ों रुपए का 8 सालों च नुकसान होया, क्योंकि जिन्ना सानू सैस इस मंडी के आना चाहिए सीगा वह सैस 26 सैक्टर की मार्केट के UT गौरमेंट नूं गया। और 129 दुकाना जे तुसी सिंपली किराए से भी चढ़ दो घट्टो घट 70-80 हज़ार रुपए तो घट कोई दुकान का किराया नहीं उस एरिए दे विच, ते अज तुसी हिसाब लाओ 8 सालों च कितना रेवेन्यू साडा पंजाब का वेस्ट गया जिहड़ा किसी वरतों च नहीं आया।